अगर आप गौ माता को बहुत प्यार करते हैं तो आज की वीडियो आपको थोड़ी दुख दे सकती है, क्योंकि गाय की आंतों से विदेशों में टेनिस के रैकेट बनाए जा रहे हैं। ये जो मॉडर्न टेनिस रैकेट से बड़े बड़े खिलाड़ी टेनिस खेलते हैं, उसे बनाने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि गाय की आंतों का इस्तेमाल किया जाता है। टेनिस का इतिहास अगर देखा जाए तो साल 1875 में पहली बार भेड़ों की आंतों से टेनिस के रैकेट बनाए गए थे, और बाद में साल 1960 आते आते गाय की आंतों के तारों का इस्तेमाल होने लगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक रैकेट के तार को बनाने के लिए 2 से 3 गाय के आंतों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज्यादातर प्लेयर्स आंतों के तार वाले रैकेट से खेलना पसंद करते हैं। उनके मुताबिक गाय की आंतों से बने टेनिस के रैकेट में सॉफ्टनेस ज्यादा होती है और इससे हाई इलास्टिसिटी भी मिलती है, जिससे खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस बूस्ट होता है और उन्हें खेलने में आसानी होती है। पर सिर्फ अपने मजे के लिए गाय माता की चमड़ी उधेड़ देना कहां तक जायज लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।